गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत मैं अपने गार्डन से कर रही हूँ। तो आज ना मैं बेडशीट, पिलो कवर ये सब चेंज कर रही हूँ, तो आज धोऊंगी नहीं, उसे रख दूंगी, क्योंकि बारिश मौसम ठीक नहीं है हमारे यहाँ भी। तो ज़्यादा अगर कपड़े हो जाते हैं ना तो डालने के लिए जगह नहीं रहती है घर में, और फिर उसमें से ना एक बैड स्मेल आने लगती है। तो अभी ना ये रूम ठीक कर लूँगी, और आलने में कुछ कपड़े इधर उधर हैं तो उन्हें ठीक कर लूँगी। और बारिश जब होती है ना तो मेरे ये रूम का जो ये कार लगा हुआ है ना, जो मच्छरदानी का स्टैंड, उसके ऊपर कपड़े का ढेर लगा रहता है। तो आज तो थोड़ा खाली हुआ है। तो देखिए, दिशु के पापा के पैंट्स कुछ कपड़े हैं, और दिशु का फ्रॉक, वो मुझे आज ट्रॉली में डालकर रखना है। तो ये सब कपड़े मैं सब अंदर डालकर रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। और ये बलून का ना गैस थोड़ा चला गया था, तो ये जो लाइटिंग लगी हुई थी वो थोड़ी लूज़ हो गई है। तो अभी मैं ये रूम को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी, कपड़े वगैरह, टीवी के जो स्टैंड है वो, फ्रिज के ऊपर, सब कुछ आज डिटेल में क्लीन करूँगी। और अगर मैं डेली इस तरीके से डिटेल में क्लीन करूँ ना तो जो मेरा लंच है वो 1 बजे तक कभी बनेगा नहीं। आज भी थोड़ा लेट हो गया था। अभी बज रहे हैं 9:30, क्योंकि अभी दिशु के पापा भी ऑफिस चले गए, दिशु भी स्कूल चली गई। तो आराम से रिलैक्स होकर सब कुछ ठीक कर रही हूँ, और आज बेडशीट चेंज किया, पिलो कवर चेंज किया है, और कपड़े सारे निकाल के रखे हैं। तो आज तो धूप तो नहीं है, तो देखती हूँ कपड़े धोऊंगी कि नहीं धोऊंगी, क्योंकि दिशु के कपड़े हैं कुछ तो उसे तो धोना ही पड़ेगा। तो बेडशीट वगैरह धोऊंगी तो फिर ना डालने के लिए जगह नहीं है, स्टोर रूम भी पूरा फुल है कपड़े से। बारिश देने से यही है, कपड़े सूखते नहीं हैं और फिर कपड़े इधर उधर रह ही जाते हैं। कि अभी मैं ना घर का काम करते करते फ़िश आ गई तो फिर ले ली, और क्योंकि ना बड़ी वाली फ़िश पापा नहीं खाते हैं खाने से, ये वाली खाते हैं। और मैंने तो ये सुबह ही दाल भिगा दिया था, देखिए ये मिक्स दाल भिगो के रखा था। तो अब इसे साफ़ करूँगी, पहले घर का काम कर लेती हूँ, इसे फ्रिज में रख दूँगी। अरे क्या बोलते हैं, मच्छी आ गई तो भी मुझे मच्छी काटना पड़ेगा, फिर भी फटाफट काम निपटा लेती हूँ और काट लेती हूँ, क्योंकि अभी ना 10 बज जाएंगे। थोड़ा बहुत तो काम मेरा हो ही गया है, थोड़े से बर्तन है उसे धो लूँगी। अभी क्या करूँगी, क्या बनाऊँगी, अब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मच्छी तो होगा पर किसके साथ बनाऊँगी पता नहीं, पर इतना है कि सरसों के साथ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पापा खाएंगे नहीं अगर सरसों के साथ बनाऊँगी तो। तो चलिए ज़्यादा पटापटा नहीं करते हैं, फटाफट जाती हूँ अपना काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहाकर आने के बाद मच्छी फ्राई कर रही हूँ। तो पहले ही काट कर गई थी नहाने से पहले, और यहाँ इंडक्शन में बन रहा है कद्दू और तीते करेला फ्राई। तो आज का लंच मेरा दिशु के लिए फ्राई फिश, और साथ में था कद्दू और करेले की ये जो भाजी, ये और दाल। तो देखिए, मैं सुबह ही भिगो दी थी, नहीं तो आज मैं दाल नहीं बनानी थी, मिक्स दाल टमेटो डालकर बनाई है। और उसके साथ था आज फिश, जो कि मैंने टमेटो प्याज ये सब देकर बनाई है, खाने में टेस्ट बना था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 5:30, और अभी मैं मार्केट से आई हूँ। तो थोड़ा लेट हो गया दीसू को पढ़ाने के लिए आज, नहीं तो 5 बजे से बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए। तो अभी वो होमवर्क करेगी तो होमवर्क करा दूँगी, लेकर बैठी हूँ। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, तो जो काम के लिए मार्केट गई थी वो तो हुआ ही नहीं। और अभी देखती हूँ, थोड़े दिन बाद जाऊँगी। और आज दिशु का टेस्ट था, तो दिशु ने बहुत खुश होकर ना स्कूल से आकर उसके पापा को फ़ोन कर बोला है कि पापा मुझे 7 में 7 मिला है। तो फिर पापा से एक प्राइज़ भी मांग लिया, और पापा ने ला के दिया भी। तो मतलब उसका प्राइस क्या है, खाने का चीज़ तो पैटिस मांगा था उसके पापा से, तो उसके पापा ने ला दिया। दाराओ दिखाए मुँह, तो उसका दिखाओ दिखाओ बोल दे, दिखाओ कोई, तो बैक कैमरा से दिखाती हूँ। स्माइली भी देखिए, अच्छा से लिखने से स्माइल मिल, अगर आप अच्छा से नहीं लिखेगा तो स्माइल नहीं मिलेगा, और रॉन्ग और जीरो। किचन में तो अभी शाम के लिए कुछ बनाऊंगी चाय के साथ खाने के लिए। तो पापा ने बोला कि पापा खाएंगे सूजी, और दिशु को दूध दूंगी बिस्किट के साथ, और मम्मी भी वही खाएंगे चाय के साथ, बिस्किट खाऊंगी। और दिशु के पापा तो कुछ खाते नहीं हैं, तो वो कुछ भी नहीं खाएंगे, खाने से वो बिस्किट खाएंगे 2-3, उनका आदत नहीं है शाम को कुछ खाने का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रखा है और ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। तो अब यहाँ पर सूजी ले लूँगी थोड़ी सी और इसे ना अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। तो पापा ना बिना ऑयल का बनाओ बोलते हैं, तो इसलिए सूखा सूखा इसे फ्राई कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से रेड होने तक फ्राई करूँगी और अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। दूध और एक चम्मच चीनी, मतलब हल्का सा चीनी सिर्फ, क्योंकि पापा को शुगर है ना इसीलिए, तो एकदम हल्का सा चीनी दिया है। और अभी इसे मैं पका लूँगी और उसके बाद दिशु को दूध दूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो ये मैंने सूजी निकाल ली है, तभी पापा को दे दूंगी। और कढ़ाई में ना थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि ये ना सूख ना जाए, बाद में धोने के टाइम निकल जाए। और ये दिशु को दूध दे दे रही हूँ, उसका हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया, मैंने माथे से निकल जाता है। आज भी मैं मार्केट गई थी पर लाना भूल गई, तो अभी बिस्किट और दूध खा लेगी वो। उसके बाद मैंने देखिए चाय बना ली है मेरे लिए, पापा को भी चाय दे दी है। चाय पी लूँगी और दिशु दूध पी लेगी, उसके बाद उसे ना डायरी कराऊँगी क्योंकि स्कूल का जो होमवर्क था वो तो करा लिया। तो अभी इस ये भी खा ले, उसके बाद मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद इसको पढ़ाऊँगी एक्स्ट्रा कुछ, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी। और वीडियो एडिटिंग करने के बाद मतलब अगर हो जाता है जल्दी से एडिटिंग तो वॉइस ओवर भी हो जाएगा, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो वैसा ही रूटीन चलता है और थोड़ा बिजी हो गई हूँ अभी मैं तो इसीलिए। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।